देखो आज हमें क्या पढ़ना है, पद परिचय। क्या? पद परिचय। अभी हमने रस, ये अलंकार सब निपटा दिए, अब हमारा क्या है, पद परिचय। तो पद परिचय होता क्या है, ठीक है? जैसे कोई वाक्य है, कोई पंक्ति है, तो उसमें उसकी क्या पहचान है, ठीक है? उसकी क्या पहचान है? जैसे आप लोग हैं, सभी का नाम है, नाम है तुम्हारी पहचान अपना क्या, एक नाम है, ठीक है? जैसे कि आप लोग परिचय दे दे तो अपना नाम बताते हो, अपना नाम बताओगे, नाम बताने के बाद अपना गांव शहर जो भी है, अपने मतलब पिताजी का नाम, ये सब परिचय बताते। तो इसी प्रकार जैसे आप अपना परिचय बताते हो, उसी प्रकार एक वाक होगा, एक पंक्ति होगी, तो वो अपना परिचय कैसे बताएगी, उसका आपको बताना है क्या इसका परिचय होगा, ठीक है? तो मान लो कि जैसे एक आपको दिया गया है कि राम खाना खाता है। क्या? खाना खाता है। अब ये देखिए, राम, राम क्या है, करता व्यक्ति है, व्यक्ति है एक राम, हाँ तो व्यक्ति है एक, और जो व्यक्ति होगा वो किसमें, संज्ञा में आता है। व्यक्ति का नाम है जो, वो किसमें आता है, संज्ञा में। और संज्ञा का ये कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो एक तो हमारा निकल के आएगा ये क्या है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब क्या है, ये क्या है, क्या कहना, खाता है, खाता है। तो क्रिया भी मान लेते हैं, क्या खाता है, खाना। तो ये क्या होगी, सकर्मक, ठीक है? इसके पास कर्म है, जिसके पास कर्म नहीं होगा अकर्मक। तो इसके पास क्या खाता है, खाना। और तरारा, जिसके पास अगर खाता, क्या खाता है, अगर उत्तर नहीं आता खाना, तो वो अपनी क्या होती, अकर्मक क्रिया। अब ये देखिए कौन सी है, सकर्मक क्रिया। अब दूसरी बात देखिए, खाता है ना कि खाती है, तो इसमें लिंग देखना है अपन को, क्या है, पुल्लिंग है, लिंग क्या होगा अपना, पुल्लिंग, ठीक है? अब देखिए क्या है, खाता है, पुल्लिंग है। अब ये देखना है क्या कह रहा है, राम खाना खाता है मीन्स क्या है, अपन को क्या बताना है, समय क्या चल रहा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, मतलब भूतकाल है, भविष्य काल है, या वर्तमान काल है। प्रेजेंट है ना, वर्तमान काल में खाता है, ठीक है? अगर क्या कहते के खाता खाऊंगा तो वो भविष्य है, भविष्य गा आ जाए, जिसमें भविष्य, अब खाया था है, राम ने खाना खाया था, तो वो क्या हो जाएगा, भूतकाल। ये अपना क्या है, वर्तमान काल। तो ये अपना क्या निकलेगा, वर्तमान, वर्तमान काल, ये हमारे काल भी निकलेगा। तो ऐसे जब इसका हमें क्या परिचय बता दिया हमने कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सकर्मक क्रिया है, इसमें पुल्लिंग है और वर्तमान काल है। खाना भी तो सर पदार्थवाचक हाँ, वो भी आएगा, लेकिन मतलब हर इतने, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है। देखो ऐसा है कि कोई भी अगर पद परिचय पूछा जाए तो जितनी आपको कन्फर्म लगते हैं कि हाँ, इतने बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ ये है, और जिसमें आपको कन्फ्यूजन होती है कि होगा कि नहीं, मान लो कि हमें, हमने इतना लिखा, हमें ये नहीं लिखना, ठीक है? इसमें हमें कन्फ्यूजन है कि क्या है, कौन सा काल है, काल कौन सा है, ये मतलब सोच रहे हैं अपन, कन्फ्यूजन है कि कौन सा वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, तो ये हमें काल में कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो मत लिखो। अगर आप गलत लिखते हैं तो आपका नंबर कटेगा, लेकिन वैसे आपने 3 लिख दिए तो आपको कोई टेंशन नहीं, ठीक है? 3 में आपको आराम से नंबर मिल जाएगा, और जिसमें कन्फ्यूजन है अगर आप वो लिखेंगे तो आपका गलत भी होगा और आपके नंबर भी कट जाएंगे। इसलिए जिसमें कन्फ्यूजन, जितने आपको लगते हैं कि हमारे परफेक्ट तरीके से सही हैं,
तो उतने का परिचय लिख सकते हो कि ये है, लेकिन जो तुम्हें कन्फ्यूजन हो वो आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हमें पद परिचय निकालना है। तो इसको हम कैसे पहचाने ये भी आपको बता देते हैं, पहचानने के तरीके। पहचानने के तरीके, अब हमें कैसे पहचानना है, ठीक है। तो पहला हमारा देखिए, पहला हमारा है कि अगर शब्द किसी व्यक्ति, शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, क्या कह रहा है कि व्यक्ति, वस्तु, पक्षी, भाव, जाति, पक्षी, भाव और जाति दर्शाता है, तब वहां क्या होगा, संज्ञा, क्या होगा, संज्ञा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि जहां हमारे व्यक्ति दिखे, ठीक है, कोई व्यक्ति या वस्तु का नाम हो, पक्षी हो, भाव हो, जाति हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या, संज्ञा हो जाएगा। दूसरा, दूसरा हमारा देखिए जब किसी संज्ञा के स्थान पर मैं, तुम, वह, वो, ये जैसे शब्द आए तब वहां क्या होगा, सर्वनाम, देखिए क्या कह रहे हैं कि जब किसी संज्ञा के स्थान में मैं, तुम, वह, वो, ये जैसे शब्द आए तो वो हमारा क्या होगा, सर्वनाम, ठीक है। समझ में आया कि कोई भी मैं हो, तुम हो, ठीक है, वह है, ये है, वो है, तो ये सब किस में आते हैं, सर्वनाम में। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा है जब शब्द किसी व्यक्ति, पक्षी, वस्तु, भाव नहीं, सीधा व्यक्ति, पक्षी, वस्तु या किसी भी प्रकार आदि की विशेषता बताए, क्या बताए, विशेषता, जब शब्द किसी व्यक्ति, पक्षी, वस्तु आदि की विशेषता बताए, ठीक है, तब वहां विशेषण होगा, जैसे पक्षी नीला है, सुंदर है,
ठीक है, सुंदर है। हाथी की पूंछ लंबी है, तो ऐसे कि कोई व्यक्ति सुंदर है, पक्षी मतलब ये सुंदर है, या हाथी की पूंछ लंबी है, तो ये सब क्या होंगे, हमारे किस में आ जाएंगे, विशेषण में। तो तीसरा हमारा पॉइंट हो गया, जब शब्द किसी व्यक्ति पक्षी वस्तु आदि की विशेषता बताते हैं तब वहां विशेषण होगा, क्या होगा, विशेषण। ठीक है, चौथा देखते हैं, लिख लिया, देख चौथा पॉइंट देखिए, अगर शब्द में क्रिया की विशेषता बताता है, यदि शब्द क्रिया की विशेषता बताता है तब वहां क्या होगा, क्रिया विशेषण। क्या कह रहे हैं कि जब शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, अब ये भी देखना है, जैसे कि क्रिया क्रिया कहाँ हो रही क्रिया, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे वगैरह। ठीक है, तो क्रिया कहाँ हो रही है, ये प्रश्न उठता है। दूसरा है हमारा कि क्रिया कब हो रही है, क्रिया कब हो रही है, क्रिया कब हो रही है, मतलब दिन में या रात या दिन भर। ठीक है, तो ये क्या, क्रिया कब हो रही है। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि कैसे हो रही है, चुपचाप, धीरे। ठीक, तेजी से। ठीक है, ये जहां आ जाए तो वहां हमारा क्या होगा, क्रिया विशेषण। देखिए एक बार समझ लीजिए, अगर शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, कोई शब्द है वो क्रिया की विशेषता बता रहा, तो वो हाँ हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अभी हम समझाएंगे आगे, ठीक है, कैसे विशेषता बताएगा, कैसे क्या करेगा। अब क्रिया कहाँ, अब ये भी देखना है कि देखो ये क्वेश्चन आए, कोई भी शब्द है, ये अपन क्वेश्चन लगाए, क्रिया कहाँ हो रही है, बाहर, अंदर, ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाए तो कहाँ क्या होगा, क्रिया विशेषण। अब कैसे हो रही है, चुपचाप, धीरे, तेजी से, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और क्रिया कब हो रही है, दिन में, रात में, दिन भर। ठीक है, ये भी जहां आ जाए तो वहां क्या होगा, क्रिया विशेषण।
पांचवा देखिए अपना क्या है, यदि यदि शब्द में संज्ञा दो या अधिक, यदि शब्द में संज्ञा दो या अधिक संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध यदि शब्द में संज्ञा दो या दो से अधिक संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध दर्शाती है तो वो क्या है, संबंध बोधक अव्यय। दो या अधिक कुछ भी, ठीक है, कोई भी संज्ञा है, ठीक है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बीच में क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, ठीक है, के दूर से, ठीक है, के लिए या के ऊपर के पास, ठीक है, जैसे कि दूर से के लिए के पास के नीचे के ऊपर, ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे दोनों में संबंध बता है, ठीक है, कोई संज्ञा सर्वनाम है दोनों में संबंध के, उसके ऊपर के दूर के नीचे क्या है, ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, संबंध बोधक अव्यय में। पांच हो गए हमारे, छठा तरीका देखते हैं। देखिए छठवां हमारा पॉइंट क्या है कि जब शब्द दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करें, क्या संबंध स्थापित करें, तो वहां क्या होगा, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक होगा, ठीक है, कि जब शब्द दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करे तो वहां क्या होगा, समुच्चय बोधक। ठीक है, जब सब दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करे तो वहां होगा क्या, समुच्चय बोधक, जैसे क्या होगा, और लेकिन नहीं, हाँ लेकिन वो किंतु वो सब उसी में देखो, जैसे कि कोई वाक है, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं और वहां से आप ही जाऊंगा, ठीक है, संबंध स्थापित कर रहा, मैं वहां जा रहा हूं लेकिन वहां से आ भी जाऊंगा या और वहां से लौट भी आऊंगा, है, हमने कहा कि मैं खाना खा रहा हूं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, दोनों में संबंध बता रहा है, मैं इसलिए भी आता है इसमें, इसलिए का क्या करेंगे कि मैं वहां गया लेकिन बारिश होने लगी इसलिए लौट आया या मैं लौट नहीं आ पाया, ठीक है, तो और लेकिन इसलिए दोनों जो दो बात बोल रहे हैं उनमें संबंध दर्शाता है, दोनों एक दूसरे से संबंध रहता है। मैंने कहा कि मैं
लौट आया तो किस लिए है, तो वो कहेगा कि इसलिए है, तो उसमें संबंध दोनों का रहता, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, समुच्चय बोधक में। अब सातवां देखिए, यदि वाक्य में किसी विस्मय, क्या विस्मय प्रयुक्त हो, जैसे हंसना, रोना, तो हर्षोल्लास, भाव पैदा हो, घृणा, घृणा भी हो, घृणा जैसा, जैसे भाव प्रकट हो, वहां विस्मय आदि बोधक हो। वहां क्या आएगा, विस्मय आदि, जैसे कि अरे है? अरे ये क्या हो गया, ठीक है, जैसे कि अरे यह क्या हो गया, हमने किया वाह, हमने क्या कहा, वाह क्या बात है, हमने कहा अच्छा, मतलब अचानक से क्या कहा, अच्छा क्या यह सच है, मतलब एक जिसमें हर्ष उल्लास, ठीक है, घृणा हो, ये सब कोई चौंकने वाले, ठीक है, चौंकने वाला वाक हो, जैसे हमने कहा अरे ये क्या हो गया, हमने कहा वाह क्या बात है, हमने कहा अच्छा क्या है सच है, मतलब कोई अंदर से निकले अचानक या कोई ऐसे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, विस्मय आदि बोधक में। लिख लिया, आठवां क्या है अपना, अगर शब्द किसी वाक पर ज्यादा भार दर्शाता है तब वहां निपात होता है, क्या कह रहे हैं कि अगर शब्द किसी वाक्य पर ज्यादा भार दर्शाता है तब वहां क्या होता है, निपात होता है, जैसे भी तक ही, ठीक है, भी तक ही या केवल, देखो ये चार शब्द हैं जहां आए, क्या भी तक ही केवल, तो वहां हमारा क्या होगा, निपात। देखो जैसे मैंने कहा मैं भी, ठीक है, मैं भी खाना खाऊंगा, मतलब मैं भी जहां भी आया है वहां तक मैं भी चलूंगा या मैं भी जाऊंगा, मैंने कहा ही, ठीक है, तो ये ही और केवल ये शब्द आ जाए तो वहां क्या होगा, निपात। ये हमारे आठ पॉइंट पहचानने को हो गए।
कल मतलब इसी को हम अभी विस्तार में पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल आसान बना देंगे कि पद परिचय कैसे पहचानना है, और आप लोग बिल्कुल आसानी से पहचानने लगोगे।